नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो मैच है वो श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में होने वाला है, और जो ये मैच है ये वही ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे पिछले 3 मैचेज हुए हैं, जो कि इंडिया के 2 मैचेज हैं और एक अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच हुआ था, यानी कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई के अंदर ये मैच होने वाला है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है दुबई के पिच को समझना। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि तरीके से चल रही हैं, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स कल जो इंडिया और हांगकांग के बीच में मैच हुआ था, मैंने बोला था कि हांगकांग इतनी आसानी से हारेगी नहीं, वो फाइट करेगी। और की फाइट उस ग्राउंड के ऊपर, जिस ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान जैसी टीम 105 रन पे और 110 रन पे ढेर हो गई, उस ग्राउंड के ऊपर हांगकांग जैसी टीम 155 रन बनाई, वही सिर्फ 5 विकेट खोकर। मेरे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है जानना कि हांगकांग की टीम को हम कम में नहीं आ सकते हैं, कभी भी मात दे सकती है, कभी भी पासा पलट सकती है। सोचिए अगर कल एस यादव अच्छी बैटिंग नहीं करते और आकर वो हिटिंग नहीं करते तो क्या होता, इंडिया की स्कोर कम होती और इंडिया की जान जो है ना हलक में अटक जाती कि इस चीज को कैसे निपटा। क्योंकि देखिए सेकेंड इनिंग में विकेट नहीं गिरा मेरे फ्रेंड, सेकेंड इनिंग में विकेट नहीं गिर रहा, फर्स्ट इनिंग में ही जो गिरना था वो गिरता है। लेकिन अब सोचने वाली ये बात है कि कल के जो मैच था सिर्फ 2 विकेट गिरा ओपनिंग में, यानी कि इंडिया जब बैटिंग की तो सिर्फ 2 विकेट गिरा, सेकेंड इनिंग में भी 2 से 4 विकेट गिरे, इससे ज्यादा कुछ नहीं गिरा। जबकि फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम मोस्ट प्रोबेबली उस ग्राउंड पे जीतती है, सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने वाली टीम वहां पर मैच नहीं जीतती है, लेकिन कल इसके उल्टा हुआ। इसीलिए कहते हैं इंडिया है, इंडिया है, इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। इंडिया मतलब जहां पे मैच जीतनी चाहिए वहां पर हार भी जाएगी, ये बिल्कुल अजीब तरीके से खेलते हैं, इनका कोई समझ में नहीं आता है। बट फिर भी हमारा देश जीता, इससे हमारे को खुशी है। हांगकांग हारी है तो ओवरऑल सब कुछ ठीक है। अब आज का जो मैच है मेरे फ्रेंड्स, आज के जो मैच है इस ग्राउंड पे होने वाला है जिस पे पिछले 3 ये सारे मैचेज हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्कोर का पैटर्न किस तरीके से होगा, स्कोरिंग पैटर्न किस तरीके से बनेगा। इंपॉर्टेंट ये हो गया हमारे लिए समझना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है कि जो स्कोरिंग पैटर्न होगा वो किस तरीके से बनेगा। तो हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और कुछ फैक्ट्स दिखाता हूं आपको कि क्या हो रहा है, एक पैटर्न जो चला वो क्या पैटर्न है, पिच किस तरीके से काम कर रही है, बिहेवियर क्या हो रहा है, कौन से बॉलर को कितने विकेट मिल रहे हैं, इन सारी चीजों को जानना हमें लॉजिकली जरूरी है। तो आइए आते हैं स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या रिकॉर्ड है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये जो मैच था ये 27 अगस्त को मैच खेला गया था अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच के अंदर, जिसमें श्रीलंका हार गई थी, अफगानिस्तान ये मैच जीत गई थी। इसमें अफगानिस्तान, पहले मैं आपको एक एक टुकड़े में चीजें दिखा रहा हूं। देखिए फर्स्ट इनिंग में यहां पे मेरे फ्रेंड्स जब 27 अगस्त को इसी ग्राउंड के ऊपर मैच हुआ था तो 105 रन बना था, 10 विकेट खोकर 105 रन ही बना पाई थी श्रीलंका, ठीक है। और यही इसी ग्राउंड पे सेकेंड इनिंग में 106 रन पे सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट खोकर 106 रन बनाकर ये मैच अफगानिस्तान जीत गई थी। इसके बाद फिर इसी ग्राउंड के ऊपर दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था और इस ग्राउंड के ऊपर आप देखिए पाकिस्तान 147 रन बनाई, 10 विकेट खोकर 147 रन बनाई इसी ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान, और उसी मैच के अंदर उसी मैच में सेकेंड इनिंग में इंडिया जो है 148 रन बनाकर ये मैच जीत गई थी, 5 विकेट गिरा था 148 रन बनाकर ये मैच जीत ली थी। तो अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आपको मैं एक चीज समझाने वाला हूँ, वो आपको अब दिखा रहा हूँ। इसी ग्राउंड के ऊपर कल जो मैच हुआ था यानी कि 31 तारीख को जो मैच हुई थी, आप इसके अंदर दोस्तों देख रहे हैं कि 192 रन बनाई इंडिया, 2 विकेट खोकर 192 रन बना, और इसी ग्राउंड के ऊपर हांगकांग ने 152 रन बनाया और ये मैच हांगकांग हार गई थी, यानी कि ये विश्व भर में 192 रन का स्कोर पिक नहीं कर पाए। तो दोस्तों अब आपको एक चीज समझ में आ रहा है, 105, 147 और 192, यानी कि पहले स्टार्टिंग में रन कम बना, ना के बराबर बना, सेकेंड मैच में रन जो हुआ क्या हुआ 147 पार किया, तीसरे मैच में 192 का स्कोर खड़ा हुआ। लेकिन तीसरे मैच में हांगकांग की टीम चलो ठीक है इंडियन बॉलर के आगे वो नहीं टिक पाए, लेकिन फिर भी 152 रन का स्कोर खड़ा कर ही लिया, यानी कि सेकेंड इनिंग में फिर भी एक मैच से हम चीजें को एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी सेकेंड इनिंग में टीम बैटिंग करने वाली यहां पे जीतती ही जीतती है। तो अब जो रिकॉर्ड है वो इसके सामने ये आ रहा है कि पहले तो बैटिंग करना इजी नहीं था, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा रन के स्कोरिंग पैटर्न बढ़ा, तीसरे मैच में दोस्तों हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला, 192 रन बना,
तो आज जो ये मैच होने वाला है दोस्तों, ये हो सकता है कि 160 से लेके 190 के बीच में स्कोरिंग पैटर्न देखने को मिल जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में वहां पर रन नहीं बन रहा था, सेकेंड मैच में रन बना, थर्ड मैच में 190 रन, यानी कि एवरेज अगर देखा जाए तो 160 रन का रेशियो हुआ। तो आज के मैच में हो सकता है 170 180 का स्कोरिंग पैटर्न देखने को मिल जाए। अब सवाल ये उठता है कि इस मैच में किस तरीके से पैटर्न को हम कवर करें। अब देखिए 27 अगस्त को जो मैच खेला गया था मेरे फ्रेंड्स, इस मैच के अंदर आप यहां पे मेरे दोस्तों देख रहे हैं कि जो फर्स्ट यानी कि फारूकी को मिला 3 विकेट, हक को मिला 1 विकेट, मुजीबुर को मिला 2 विकेट और नाभी को 2 विकेट, यानी कि 4 विकेट स्पिन को और 4 विकेट फास्ट बॉलर को मिला था। सेकेंड इनिंग के अंदर जो पैटर्न था, सेकेंड इनिंग के अंदर आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए सेकेंड इनिंग में जो विकेट गिरा था सिर्फ और सिर्फ वानिंदु हसरंगा को 1 विकेट मिला था, आप यहां पे देख रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो मैच हुआ था, इस मैच के अंदर आप देखिए यहां पे भुवनेश्वर कुमार को 4 विकेट मिला, ठीक है, अर्शदीप सिंह को 2 विकेट मिला, हार्दिक पांड्या को 3 विकेट मिला, आवेश खान को 1 विकेट मिला, किसी भी स्पिनर को 1 विकेट भी नहीं मिला, हालांकि कल भी चहल को 1 विकेट भी नहीं मिला, ठीक है। अब देखिए फिर से सेकेंड इनिंग के अंदर आप देखिए दोस्तों कि क्या हुआ, सेकेंड इनिंग के अंदर नवाज को 3 विकेट मिला और नसीम शाह को 2 विकेट मिला, यानी कि रेशियो लगभग बराबर ही है, 3 विकेट स्पिन को मिला और 2 विकेट फास्ट बॉलर को मिला। कल का जो मैच है, कल का मैच आप देखिए दोस्तों, कल के जो मैच हुआ था उस मैच के अंदर आप देखिए कि एक आयुष शुक्ला को 1 विकेट मिला था और गजनफर को 1 विकेट मिला था, यानी कि एक स्पिन को एक फास्ट को। इसके बाद सेकेंड इनिंग के अंदर देखिए दोस्तों क्या हुआ, सेकेंड इनिंग के अंदर भुवनेश्वर कुमार 1 विकेट, अर्शदीप सिंह 1 विकेट, रविंद्र जडेजा 1 विकेट, आवेश खान 1 विकेट, यानी कि 1 विकेट रविंद्र जडेजा को मिला स्पिन को और 3 विकेट फास्ट बॉलर को। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि आज के मैच में दोस्तों विकेट कम गिरे, लगभग विकेट गिरे, तो हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है देखने को मिल जाए। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप टीम तैयार करो, एक मैच के अंदर टॉप 3-4 बल्लेबाजों को रखने की कोशिश करो, टीम के अंदर गेंदबाजों को कम रखने की कोशिश करो। हालांकि एक पैटर्न और है, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज जैसी जब टीम खेलती है ना दोस्तों, तो जो टीम का पैटर्न बन जाता है ना, वो बन जाता है ऑलराउंडर्स का, यानी कि ऑलराउंडर्स सेक्शंस में ज्यादा टीम प्लेयर्स लेने पड़ते हैं। बट बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हमें टॉप 4 बल्लेबाज रखने हैं। अब हमें देखना ये है कि क्या श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम के बीच में कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं, तो पहले तो हमें उन पे फोकस करना है ड्रीम इलेवन ऐप के ऊपर, और फिर हम देखते हैं कि हम टीम की फाउंडेशन किस तरीके से क्रिएट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं फैन कोड के ऊपर। फैन कोड के अकॉर्डिंग जो रेशियो निकल के आ रहा है, वो रेशियो के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स कह रहा है कि फैन कोड कह रहा है कि जो पिच है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का जो पिच है वो बैलेंस्ड पिच है और यहाँ पे पेसर्स को ज्यादा मदद मिलती है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको मेरे फ्रेंड्स रखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे जो बेस्ट जो स्कोरिंग पैटर्न है वो राजपक्षा का। मैंने आपको बोला ना कि कौन से प्लेयर को हम रख सकते हैं जो कि रन बनाने के काबिल है, वो है राजपक्षे, जो सबसे हाई स्कोरिंग मैच खेलने देखने को मिल सकता है। इसके बाद सी असलंका है, सी असलंका भी अच्छे स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बांग्लादेश ओवरऑल, बांग्लादेश के बैटिंग में इतनी डेप्थ नहीं है कि वो इस चीज को और श्रीलंका के बॉलर को झेल पाए, मुझे लगता है कि शायद अभी उनके अंदर वो डेप्थ नहीं है, खास करके बांग्लादेश की टीम के अंदर। श्रीलंका के टीम के अंदर 2-4 प्लेयर अभी हैं जो अच्छे स्कोरिंग पैटर्न बना सकते हैं, तो ये है वहां का जो पैटर्न है। अब जो देखने को मिलता है कि दोनों जो टीम है मेरे दोस्तों, आप यहां पे देख रहे होंगे कि जो दोनों टीम है श्रीलंका और बांग्लादेश, 5-5 मैच खेली है और 1-1 मैच जीती है, सिर्फ एक मैच जीती है, 4-4 मैच दोनों टीम जो है वो लॉस में है। ओवर स्कोर जो यहां पे दिखा रहा है 147 का एवरेज स्कोर दिखा रहा है, तो ओवरऑल जो आप देखने को मिल सकता है आप यहाँ पे ये देख लिए। अब हम आते हैं ड्रीम इलेवन के ऐप के ऊपर और टीम एक बेहतरीन टीम बनाने की कोशिश करते हैं कि बेहतरीन टीम हमारा किस तरीके से किस पैटर्न पे देखने को मिलेगा। दोस्तों क्या है कि आप पिछला सारे रिकॉर्ड भूल जाओ, एशिया कप है, इसके अंदर हर टीम को 1-1 2-2 मैच खेलने का मौका मिल रहा है, 2-2 3-3, और इंडिया फिलहाल टॉप पे है 2 मैच जीत के, और इधर से अफगानिस्तान टॉप पे है 2 मैच जीतकर। अब श्रीलंका की बारी है, 1 मैच हार चुकी है, आज ये इनकी करो या मरो, अगर हार गए तो खत्म कहानी, जीत गए तो शायद एक चांसेस इनको मिल सकता है।
आइए देखते हैं श्रीलंका और अफगानिस्तान, श्रीलंका और जो बांग्लादेश है इनके बीच की टीम मैंने फिलहाल क्रिएट करके रखा हुआ था, बट बेसिकली मैं यहां से सिर्फ एक कॉपी कर रहा हूं एक टीम और आपको दिखाता हूं। अब दोस्तों देखिए बांग्लादेश की तरफ से एनुमुल हक ये एक प्लेयर है जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है, राइट हैंड बैट्समैन है और इनकी पैटर्न भी बहुत अच्छा है खेलने का, बट पिछले मैच में नहीं चले, इस मैच में चल सकते हैं नहीं चल सकते हैं हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल हम इनको यहां से आप ड्रीम टीम में से हटा के कुशल मेंडिस को रखना। हालांकि कुशल मेंडिस का भी स्कोर कुछ खास नहीं है बट ओवरऑल बैट्समैन अच्छे हैं कुशल मेंडिस, तो देखते हैं कि क्या सीन है, फिलहाल हम इनको यहां पे रखते हैं। बैट्समैन सेक्शन में आप राजपक्षे को डिफॉल्ट पिक में डाल देना क्योंकि बैट्समैन अच्छा है, बाई लक बैड लक होगा दोस्तों कि ये हमारे जीरो पे या 10 रन और 20 रन पे आउट हो जाए, वरना ये स्कोरिंग पैटर्न में देखा जाए अगर आज के मैच हाई स्कोरिंग होता है तो राजपक्षे का महत्वपूर्ण रोल होगा, मुझे लगता है कि कम से कम 60 रन तक ये बना सकते हैं अगर हाई स्कोरिंग मैच हुआ तो। पिछले मैच में 55 पॉइंट दे दिए थे, आज के मैच में हो सकता है 100 पॉइंट 110 पॉइंट ये देकर चले जाए अगर हाई स्कोरिंग हुआ तो, या फिर अगर पिच के ऊपर ज्यादा घास दिखी तो स्कोरिंग पैटर्न बदल भी सकता है। बट राजपक्षा जो है वो आते हैं तीसरे चौथे डाउन पे तो इनके खेलने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं दोस्तों। इसके बाद सी श्रीलंका वन डाउन आएंगे, ठीक है, तो इनका हो सकता है वन डाउन आए या फिर हो सकता है कि ये ओपनिंग में भेज दिया जाए क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, पिछले मैच में नहीं चले थे, इस मैच में ये ड्रीम टीम का हिस्सा जरूर बनेंगे, इसलिए मुझे लगता है दोस्तों कि कुछ पिछले मैच में जो प्लेयर्स थे वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे जो बैटिंग सेक्शंस के हैं, तो बैटिंग सेक्शंस को आज ड्रीम टीम का हिस्सा बनना चाहिए, इस वजह से मुझे लगता है कि आज का जो मैच है ना वो हाई स्कोरिंग जाने वाला है, हर प्लेयर 30-40 रन मार के जा सकता है जहां तक मुझे लग रहा है। इसके बाद देखिए गुनाथी लाका जो थे ये भी पिछले मैच में फेल हो गए थे, ठीक है, सिर्फ मतलब कि 24 पॉइंट दिए, आप इनका अगर इस बैटिंग का देख लो तो सिर्फ 17 रन बनाए थे, हालांकि उस सेक्शंस में बैटिंग सेक्शंस में और कोई ज्यादा पॉइंट नहीं दिया था, इस वजह से ये ड्रीम टीम का हिस्सा बन गए, वरना इस 17 रन बनाकर कोई ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बन सकता है। तो गुनाथी लाका और ये आप क्या करना, गुनाथी लाका और निशंका को रोटेट करना मेरे दोस्तों, आप दोस्तों क्या करोगे गुनाथी लाका और निशंका को आप दोनों को रोटेट कर लेना टीम में, थोड़ा सा चेंजेस करना जरूरी है। अब यहां से आते हैं आफिफ हुसैन, इनका रिकॉर्ड कुछ खास बेहतर नहीं था पिछले मैच में, ठीक है, और आते हैं नईम शेख, ये किसी किसी मैच में चलते हैं किसी मैच में नहीं चलते हैं, ज्यादातर नहीं चलने का चांसेस इनका ज्यादा होता है, वैसे भी मुझे लगता है कि ये श्रीलंका के खिलाफ नहीं टिक पाएंगे, थिक्साना है, वानिंदु हसरंगा है, थुसारा है, ये सारे बॉलर हैं जो हाई मतलब इनका लेवल अच्छा है और इनके आगे ये शायद ना टिक पाए और ओपनिंग करने आएंगे, और अगर पहले बैटिंग करने को मिली पिच पे घास हुआ तो ये पहले ही निकल लेंगे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जो बेस्ट टॉप थे आप महमदुल्ला को दोस्तों रोटेट कर सकते हो, महमदुल्ला अच्छे मतलब कि बैट्समैन भी है ऑलराउंडर भी है, हालांकि इनको बैटिंग सेक्शन रखा गया, फिलहाल ये बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। यहां से साकिब अल हसन सबके लिए डिफॉल्ट पिक होंगे, वानिंदु हसरंगा सबके लिए डिफॉल्ट पिक होंगे, ठीक है, इसके बाद मैंने यहां से करुणा रत्ने को हटाया, हालांकि ये बैटिंग सेक्शन से अच्छे पॉइंट दे सकते हैं बट आज इनके चलने के चांसेस मुझे लगता है कि कम है ना के बराबर है, शायद ये ड्रीम टीम का हिस्सा ना बने और अगर बनेंगे तो वाइस कैप्टन का रोल अदा कर सकते हैं, इसके बाद इसलिए इनको आप रोटेट कर लेना करुणा रत्ने को, किसके साथ, मेहदी हसन के साथ। अब मेहदी हसन का दोस्तों क्या है कि मैंने इस प्लेयर को देखा है मेरे फ्रेंड्स, ये ना गुच्छे में विकेट लेके जाता है जिस दिन लेके जाता है, हालांकि आप मेहदी हसन को यहां से ड्रॉप करके किसी और के साथ जा सकते हो बट मैंने यहां पे फिलहाल मेहदी हसन को जगह दे रखी है अपनी टीम में क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर में आएंगे बॉलिंग करने और मिडिल ऑर्डर में ये एक दो विकेट लेके जा सकते हैं, स्पिन बॉलर है, स्पिनर को विकेट मिलता है। मैंने यहां से मुस्तफिजुर रहमान को हटा रखा है तो आप एक काम करना यहां से मुस्तफिजुर रहमान को रख लो क्योंकि ये डिफॉल्ट पिक में आज जा सकते हैं। बेसिकली क्या है दोस्तों कि श्रीलंका की तरफ से अगर कोई विकेट लेने की सबसे ज्यादा क्षमता रखता है तो वो है थिक्साना और वानिंदु हसरंगा, इस वजह से मैंने यहां पे आप टीम में देख रहे होंगे कि मैंने दो लोगों को यहां पे जगह दे रखा है, वानिंदु हसरंगा को और थिक्साना को, क्योंकि ये दो जो है ये चार चार ओवर दोनों करेंगे यानी कि 8 ओवर ये दोनों करेंगे और इन 8 ओवर में मेरे दोस्तों हो सकता है कि ये 3 से 4 विकेट 5 विकेट खड़काकर लेकर चले जाए। रही बात बांग्लादेश के बॉलर की तो यहां पे मुस्तफिजुर रहमान है, हो सकता है 1 या 2 विकेट लेकर जाए, ठीक है, या सैफुद्दीन 1 या 2 विकेट लेकर जाए, सैफुद्दीन भी अच्छे बॉलर हैं। तो बेसिकली आप साकिब अल हसन को डिफॉल्ट पिक में रख दो,
मोडेक हुसैन जो पिछले मैच में अच्छा कैप्टेंसी का रोल किया था, ये आप इनको रख लो। यहां से मेहदी हसन को रखो, वानिंदु हसरंगा डिफॉल्ट पिक में है मेरे दोस्तों, यहां से थिक्साना डिफॉल्ट पिक में रखो, इसके बाद राजपक्षे डिफॉल्ट पिक में रखो आप। और आपको अब रोटेट किसको किसको करना है, एक दो तीन, इन तीनों को रोटेट करना है, और चौथे में आते हैं मुडेक हुसैन को कुन्ना रत्ने के साथ आप रोटेट कर सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे देखिए मेहदी हसन को करुणा रत्ने से आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। बट दोस्तों क्या है कि अगर हम ये देखते हैं कि अगर ये टीम, अगर ये प्लेयर चलते हैं मेरे फ्रेंड्स, तो फिर करुणा रत्ने की बैटिंग नहीं आएगी। अगर इनकी बैटिंग, क्योंकि बॉलिंग से पॉइंट कितना देंगे नहीं देंगे ये तो बात की बात है, अगर बैटिंग में, अगर बैटिंग सोच के चलते हैं ये बैटिंग से पॉइंट देंगे, तो अगर हम इन सबको रखेंगे तो इनको रखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि फिर इनकी बैटिंग ऑर्डर आएगी ही नहीं है। और अगर आएगी, एक दो ओवर मिला तो शायद 10-12 रन बनाएंगे, इससे ज्यादा बना नहीं पाएंगे, तो उनका रखने का कोई फायदा नहीं है। बॉलिंग सेक्शन से, बॉलिंग से ये इतने विकेट टेकर है नहीं जितना इनको माना जाता है, इसलिए इनको एक विकेट मिल जाता है मुश्किल से। तो आप एक काम करना, मेहदी हसन को अगर ड्रॉप कर रहे हो तो मेहदी हसन को ड्रॉप करके करुणा रत्ने को भी हटा दो, और यहां से आप एक फास्ट बॉलर को रख लो। यहां से देखिए, जैसे श्रीलंका का जो है, जैसे श्रीलंका से ये है मधुशनाका, ये इनका जो ऑर्डर है, हम देखते हैं क्या है। ये देखिए लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, तो इनको हम रख सकते हैं। यहां से पाथिराना है, ये भी राइट आर्म फास्ट मीडियम है, तो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम को हम रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके विकेट लेने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है, बढ़ जाते हैं। तो मैंने यहां से मधुशनाका को जगह दे रखा है। इस तरीके से एक टीम का प्रीव्यू बनता है। आप श्रीलंका को जिताने की कोशिश करना, हो सकता है आज के मैच में श्रीलंका जीते, क्योंकि श्रीलंका इतनी आसानी से मैच दोस्तों लूज करती नहीं है, क्योंकि वानिंदु हसरंगा भी अच्छे हैं। अब यहां से कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर चॉइस देखा जाए, तो दोस्तों आप यहां से देख रहे होंगे कि सबले साकिब अल हसन और वानिंदु हसरंगा, इन दोनों को कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी में रखा है। तो आप एक काम कर लो मेरे फ्रेंड्स, आप यहां पे कैप्टन और वाइस कैप्टन में थिक्साना को, कितने लोगों ने सिलेक्शन परसेंट किया इनका, ये देखिए, ये 16 पॉइंट पिछले मैच में दिए थे, और इस मैच का क्या स्थिति है तो हम ये देखते हैं। थिक्साना के 82% सिलेक्शन परसेंट है, और वानिंदु हसरंगा का 90%, 89% साकिब अल हसन, 85% 45% गुनाथिलाका का 27% सिलेक्शन है, यहां से 57% कुशल मेंडिस का है। दोस्तों यहां से मैं कुशल मेंडिस को हटा के हक को रख रहा हूं। रीजन क्या है कि इनका मुझे 30% से कम के तीन खिलाड़ी रखने हैं दोस्तों, इस वजह से मैंने यहां पे ए हक को रखा, जगह दिया। इसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन से यहां पे मेरे को कोई दिख नहीं रहा, मुडेक हुसैन को हटा के मैं मेहदी हसन को रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंट कम है। मुडेक हुसैन पिछले मैच में अच्छे स्कोर करके गए थे, इसलिए मैं यहां पे मुडेक हुसैन को हटा रहा हूं। इसके बाद बॉलिंग सेक्शन से ये सबके सबके सिलेक्शन परसेंट हाई है। एक धनु मधुशनाका जो है, इनका सिलेक्शन परसेंट जो है वो 10% है। तो इस तरीके से मैंने ये टीम का क्रिएशन तैयार कर लिया, जिसके अंदर मेरे तीन प्लेयर 30% से कम के सिलेक्शन के हैं। बाद में जब टीम मैं तैयार करूंगा लाइनअप्स के बाद, तो टीम चेंजेस करूंगा इसको देखते हुए कि टॉस के बाद कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है, कौन सी टीम पहले बॉलिंग कर रही है, तो ये देख के हम टीम को चेंजेस करेंगे। अब यहां पे कैप्टन में बनाता हूं मेहदी हसन को, ठीक है, और वाइस कैप्टन बनाता हूं थिक्साना को। ये देखिए दोनों के दोनों स्पिनर को आप वानिंदु हसरंगा के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन परसेंट उनका, कैप्टेंसी का सिलेक्शन परसेंट बहुत ज्यादा है, मतलब 19% का सिलेक्शन है। उस केसेज में आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि अगर देखिए साकिब अल हसन और वानिंदु हसरंगा कैप्टन वाइस कैप्टन बनते हैं, तो दोस्तों जो टीम ग्रैंड लीग में नंबर वन पे होगी ना, उसमें बहुत से ऐसे प्लेयर मिल जाएंगे आपको जिनको लोग, बहुत सारे लोग छोड़े होंगे, टीम का पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर इस पैटर्न पे जाते हैं, मान लीजिए वानिंदु हसरंगा ने 2 विकेट ले लिया, ठीक है, साकिब अल हसन ने 2 विकेट ले लिया, 10-20 रन मार दिए, इसके बावजूद भी अगर मेहदी हसन ने 3 विकेट ले लिया, थिक्साना ने 3 विकेट ले लिया, तो दोस्तों ये लोग, ये टीम अपने आप ऊपर रैंक पर चली जाएगी, क्योंकि इनको, इनसे ज्यादा पॉइंट देंगे, और आपके पास हाई स्कोरिंग, मतलब हाई सिलेक्शन परसेंट वाले भी आपके अंदर टीम के अंदर हैं, लो वाले भी हैं, लेकिन लो वाले कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे तो टीम अपने आप रैंक ऊपर लेकर आ जाती है। इस वजह से मैंने इन लोगों को जगह दे रखी है, टीम को मैंने सेव कर दिया। दोस्तों ये रहा टीम का प्रीव्यू, आप एक बार ऐसे देख लो, और इस तरीके से टीम का कॉम्बिनेशन हम सेट करते हैं। आप लोग टीम को, प्लेयर्स को रोटेट करो, ऑलराउंडर सेक्शन से ज्यादा रखने की कोशिश करना। तो मेरे फ्रेंड्स, इस तरीके से आप टीम का फाउंडेशन आप कंप्लीटली अपने तरीके से तैयार
कर सकते हो। आज से CPL मैच शुरू हो रहा है, उसके भी मैं वीडियो पूरी एनालिसिस उस पर भी चल रही है मेरी, तो उसकी वीडियो भी लेके आऊंगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।